मेरा नाम वर्षा है और आज मैं फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ। आज हम बात करेंगे उस एग्जाम की जिसके लिए पूरे इंडिया में बच्चे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा पढ़ाई इस एग्जाम के लिए करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये। इस प्रोफेशन को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है और स्पेशली पैंडेमिक में तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल इज्जत हम सबके दिल में आ गई है। आज हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन की। जी हाँ, मेडिकल लाइन में मेडिकल प्रोफेशन के लिए जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए आज हम लेकर के आए हैं ये वीडियो। यहाँ हम बात करेंगे मेडिकल एग्जाम्स के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की। इस इंस्टीट्यूट में मेडिकल के सभी तरीके की प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो नीट के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है और अदर मेडिकल एग्जाम्स की कर रहे हैं तो उसके लिए भी। थोड़ा मैं आपको यहाँ नीट के एग्जाम का ब्रीफ दे देती हूँ कि किस तरीके से होता है। नीट में आपके सही आंसर्स के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के आपके 1 मार्क माइनस किए जाते हैं, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आपके 3 सेक्शन आते हैं पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो ये सब कुछ मिलाकर टोटल 4 एक तरीके के सेक्शंस हैं। इनको लेकर के आपके टोटल पेपर होते हैं जिनमें आप इस एक गलत आंसर को प्लीज 1 मार्क्स माइनस मत देखिएगा। इधर आपको एक एक सेकंड के हिसाब से आंसर करने होते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। आपके पास नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा चाहिए और इसी के साथ आपका एक गलत आंसर का नुकसान आपको 5 नंबर का होता है। तो ये चीज गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, तुक्के में आंसर्स बिल्कुल मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपके गलत आंसर हुए तो वो 4 नंबर जो आपको मिलने वाले थे सही होने के वो तो गए ही गए, प्लस गलत होने के लिए आपका एक -1 और हुआ उसमें, यानी -5 मार्क्स। तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का नुकसान हो जाता है और एक भी क्वेश्चन गलत होना या सही होना आपका एग्जाम क्लियर भी करवा सकता है और वो एग्जाम आपका क्लियर होने से रुक भी सकता है। तो एक एक मार्क्स की यहाँ पर वैल्यू है और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा गाइडेंस, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का सपोर्ट चाहिए होता है। और आज हम आपके लिए ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आए हैं जहां हम बात करेंगे वो सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपको इसके लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, आपको फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा अच्छी मेडिकल लाइन की फैकल्टीज मिलेंगी इन इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में बहुत ही सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल एग्जाम्स की और बहुत दूर दूर ट्रैवल कर जाते हैं एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश में। कई बार शहर से थोड़ा दूर भी जाते हैं इंस्टीट्यूट की तलाश में जहां रह करके वो प्रिपरेशन कर सके। तो आपके लिए हम ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आए हैं जहां आप अपने ट्रैवल टाइम को बचा करके अपने घर के पास के सबसे अच्छे और सबसे फेमस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने इस ट्रैवल टाइम को यूज कर सकते हैं अपने स्टडी और अपने प्रिपरेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक जानने के लिए भुवनेश्वर के टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट रैंकिंग वाइज मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। रैंक नंबर 1 पर है आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश का नाम आप सबने सुना होगा, जितने भी मेडिकल और जी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उन सब ने आकाश का नाम जरूर सुना होगा। ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है मेडिकल और AIIT की प्रिपरेशन करवाने के लिए और यहाँ आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट वे में पढ़ाया जाता है। पूरे इंडिया में इनकी लगभग ब्रांचेस हैं जिनमें से भुवनेश्वर ब्रांच की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। रैंक नंबर 3 पर है AB मेडिकल अकेडमी। AB मेडिकल अकेडमी या इंस्टीट्यूट ये भी काफी ज्यादा फेमस है। पूरे रिसर्च के हिसाब से भुवनेश्वर में दूसरे नंबर का सबसे अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां स्पेशलाइज्ड मेडिकल कोर्सेज की ही प्रिपरेशन करवाई जाती है। इनकी डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 4 पर है एकलव्य क्लासेस फॉर नीट कोचिंग। यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड मेडिकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेडिकल में नीट और AIPMT के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है ये और इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 5 पर है रेजोनेंस इंस्टीट्यूट। रेजोनेंस मेडिकल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है और ये पूरे इंडिया में है जहां मेडिकल की ही स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। इनकी फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट और यूनिक वे में पढ़ाने वाली फैकल्टीज है इनकी।
साथ के साथ इनका स्टडी मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनकी डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है भुवनेश्वर ब्रांच की। रैंक नंबर 6 पर है समल क्लासेस फॉर नीट कोचिंग। यहाँ पर भी आपको नीट और मेडिकल एग्जाम्स की स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज दी जाती है और ये भुवनेश्वर का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। इनके फीस स्ट्रक्चर भी बाकियों से काफी ज्यादा अच्छे हैं और इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 7 पर है अनीट नीट कोचिंग। यहाँ पर भी आपको स्पेशलाइज्ड मेडिकल एग्जाम्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है और किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं कम से कम समय में, इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 8 पर है अमोघ क्लासेस फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल कोचिंग। यहाँ पर आपको मेडिकल के लिए ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं कि आप खुद कहेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन बैंक्स स्पेशलाइज्ड वे में आपको तैयार कर दिए जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। इनकी डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। रैंक नंबर 9 पर है टॉर्क क्लासेस फॉर नीट। हमारी रिसर्च के हिसाब से ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल और नीट AIPMT एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम्स का स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट 9th नंबर की रैंक पर आता है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये भी। इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 10 पर है विनायक इंस्टीट्यूट। विनायक इंस्टीट्यूट हमारी रिसर्च के हिसाब से भुवनेश्वर में टॉप 10th और आज की लिस्ट का हमारा आखिरी सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको बहुत ही यूनिक वे में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, देन प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है। इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की और किसी नए एग्जाम की, किसी नई लोकेशन की। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।